ऐसा शायद ही कोई आदमी हो जिसने अपनी लाइफ में पाउडर का इस्तेमाल ना किया हो। भले ही पूरे साल भर लोग पाउडर लगाने से बचते हों, लेकिन जैसे ही गर्मी का महीना आता है उसके साथ ही हर किसी को पाउडर की जरूरत भी महसूस होने ही लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस महकदार और ठंडे ठंडे नवरत्न के पाउडर को हम सभी अपनी बॉडी पर लगाते हैं, उसे फैक्ट्रियों में किस प्रकार से बनाया जाता है? तो आज हम आपको गर्मियों में इस्तेमाल किए जाने वाले नवरत्न पाउडर से लेकर महिलाओं के होठों की सुंदरता बढ़ाने वाले लिपस्टिक तक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। नवरत्न पाउडर का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है, लेकिन इस बेहतरीन और महकदार पाउडर को फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले पाउडर बनाने वाले फैक्ट्री तक पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों को पहुंचाना जरूरी होता है। मतलब कि पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुँचाने का काम पूरा किया जाता है। फैक्ट्री में पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट पत्थरों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पहाड़ों को तोड़कर और खदानों की मशीनों की सहायता से इसे खोदकर कुछ इस प्रकार से सॉफ्ट पत्थरों को इकट्ठा करने का काम पूरा कर देते हैं। अभी आप जिन सॉफ्ट पत्थरों को देख रहे हैं, इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में पाउडर बनाने के लिए यूज में आता है। फैक्ट्री के वर्कर्स द्वारा निकाले गए इन सॉफ्ट पत्थरों में अनेक तरह की चीजें भी पाई जाती है, जैसे कि पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले इन पत्थरों के अंदर क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसी कई चीजें पाई जाती हैं। यही कारण है कि इन सॉफ्ट पत्थरों से बनाए जाने वाले पाउडर्स को टाल्कम पाउडर के नाम से भी जानते हैं। जब फैक्ट्री के वर्कर्स पहाड़ों और खदानों के अंदर से इस प्रकार के सॉफ्ट पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बाहर निकालने का काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब बारी आती है इन सॉफ्ट पत्थरों को कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े ट्रकों में लोड करने की, जिसे लोड करने के लिए पाउडर फैक्ट्री के वर्कर्स को काम पर लगाया जाता है। इसीलिए जैसे जैसे पहाड़ों और खदानों के अंदर से सॉफ्ट पत्थरों को बाहर निकाला जाता है, वैसे वैसे फैक्ट्री के वर्कर्स इन पत्थरों को खुद से भी और मशीनों की सहायता से भी ट्रकों में लोड करने का काम पूरा कर देते हैं। जब फैक्ट्री के वर्कर्स ट्रकों पर सॉफ्ट पत्थरों को लोड करने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब इन ट्रकों को पाउडर वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसके बाद इन बड़ी बड़ी ट्रकों को चलाने वाला ड्राइवर सॉफ्ट पत्थरों से लोड हुए इस ट्रक को पाउडर फैक्ट्री के अंदर पहुंचाने का काम पूरा कर देता है। फिर जैसे ही सॉफ्ट पत्थरों से लोड हुए ट्रक्स फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं ना, तब फिर इन्हें एक विशेष स्थान पर इन सभी सॉफ्ट पत्थरों को पाउडर फैक्ट्री के अंदर स्टोर कर देना चाहिए, जिसके लिए ट्रक का ड्राइवर इन सॉफ्ट पत्थरों को एक ही मिनट के अंदर अपनी ट्रक में मौजूद पावर प्रेशर की मदद से उतार देता है। यही काम बाकी के ट्रक भी करते हैं, जिनमें पाउडर फैक्ट्री के वर्कर्स सॉफ्ट पत्थरों को लोड करने का काम पूरा किए रहते हैं। इसके बाद अब बारी आती है फैक्ट्री के अंदर स्टोर किए गए इन सभी सॉफ्ट पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, जिसके लिए फैक्ट्री के अंदर पहले से ही ग्राइंडर मशीन मौजूद रहती है, जिसका काम इन सभी सॉफ्ट पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का होता है। इन सॉफ्ट पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के वर्कर्स इन सॉफ्ट पत्थरों को ग्राइंडर मशीन में डालने का काम पूरा कर देते हैं। इसके बाद ये ग्राइंडर मशीन बहुत ही आसानी के साथ इन मजबूत और बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में तोड़ने का काम पूरा कर देती है। जब ये सॉफ्ट पत्थर ग्राइंडर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं ना, तब बारी आती है इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में से खराब पत्थरों को अलग करने की, जिसके लिए सबसे पहले इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से फैक्ट्री के इन वर्कर्स के पास में भेजा जाता है, जो कि इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में से खराब पत्थर के टुकड़ों को बाहर निकालने का काम पूरा कर लेते हैं। इस काम को करने के लिए सभी वर्कर्स अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहनते हैं, जिससे कि इन पत्थरों की वजह से इन वर्कर्स के हाथों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो जाए। इसके बाद जब ये सभी वर्कर्स इन सभी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में से खराब टुकड़ों को बाहर निकाल लेते हैं ना, तब बारी आती है इन पत्थरों को और भी ज्यादा बारीक करने की, जिसके लिए कंपनी के अंदर मिक्सर मशीन भी मौजूद रहती है, जिसका काम ही होता है इन सभी छोटे और अच्छी क्वालिटी के पत्थर के टुकड़ों को बिल्कुल महीन और बारीक पीसने की। इन सभी छोटे पत्थर के टुकड़ों को बिल्कुल महीन और बारीक पीसने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इन पत्थरों को मिक्सर मशीन में भेजने का काम करते हैं। इसके बाद देखते ही देखते पाउडर फैक्ट्री में मौजूद ये मिक्सर मशीन इन सभी छोटे लेकिन मजबूत पत्थरों को बिल्कुल बारीक और महीन तरीके से पीस देती है।
लेकिन इस महीन पिसे हुए पाउडर के अंदर थोड़े बहुत कंकड़ भी मौजूद रहते हैं, जो कि किसी भी तरह के पाउडर में नहीं पाए जाने चाहिए। इसीलिए इस पाउडर में कंकड़ आदि को निकालने के लिए इसे छलनी वाला मशीन में डाला जाता है, जिससे कि छलनी वाली ये मशीन पाउडर के अंदर से कंकड़ आदि को आसानी से निकाल के बाहर कर देती है। इसके बाद अब बारी आती है इस पाउडर के अंदर सुगंध के लिए केमिकल इंग्रेडिएंट्स डालने की। और हाँ, नवरत्न जैसे पाउडर में कुछ और एक्स्ट्रा केमिकल और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ताकि इसे लगाने के बाद आपको ठंडा भी महसूस हो। जैसे फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स कुछ इस प्रकार से डाल देते हैं। इतना हो जाने के बाद अब पाउडर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इस पाउडर की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में एक और जरूरी चीज बाकी है, जो है इस पाउडर की पैकेजिंग की प्रोसेस, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन पाउडर के इन डिब्बों में कुछ इस प्रकार से एक बराबर पाउडर को भरने का काम करती है। और इस प्रकार से ये पाउडर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब ये तो बात रही नवरत्न पाउडर की, पर पाउडर की तरह ही लिपस्टिक भी कॉस्मेटिक की चीजों में ही आती है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं रेगुलरली अपने होठों पर लगाने के लिए करती हैं। फैक्ट्री में लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में ऑयल, वैक्स, मॉइस्चराइजर, अल्कोहल और कलर को एक साथ डालकर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे तरीके से मिला दिया जाता है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट का मतलब लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी के ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिसे वो किसी और के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। जब ये सभी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से मशीन के द्वारा मिक्स कर दी जाती है, उसके बाद बारी आती है इस मिक्सचर को एक पेस्ट में बदलने की। इसके लिए लिपस्टिक कंपनी के अंदर कुछ इस प्रकार की एक मशीन मौजूद रहती है, जिसके अंदर इस मिक्सचर को डाल दिया जाता है और यहाँ पर मशीन इस मिक्सचर को एक पेस्ट के रूप में तब्दील कर देती है। इसके बाद दोबारा से इस पेस्ट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए इस पेस्ट को ऑयल में हीट करके दोबारा से लिक्विड बनाने का काम पूरा किया जाता है। इस पेस्ट को ऑयल में हीट करके लिक्विड फॉर्म में तैयार करने के कारण ही लिपस्टिक चिकनी पाई जाती है। इतना सब हो जाने के बाद इस लिपस्टिक के अंदर और भी किसी भारी इंग्रेडिएंट्स को नहीं मिलाया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं लिपस्टिक के अंदर चिकनाई के लिए सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है, वो पूरी तरीके से गलत बात कह रहे हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक के बनाए गए इस पेस्ट को लिपस्टिक कंपनियों में मौजूद इस प्रकार के सांचों में भरने की। जैसे फैक्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार के सांचों के अंदर भरने की प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाती है। जब इन सांचों के अंदर लिपस्टिक को मशीन की मदद से भर दिया जाता है, तब फिर थोड़ी ही देर बाद इन सांचों में भरी लिपस्टिक अच्छे तरीके से जम जाती है। इसके बाद इस जमी हुई लिपस्टिक के अंदर तुरंत ही लिपस्टिक के बॉडी कवर को फिट कर दिया जाता है। लिपस्टिक के ऊपर लगाए गए इस बॉडी कवर को फिट करने के लिए लिपस्टिक कंपनियों में मौजूद कुछ इस प्रकार के प्रेस करने वाली मशीन से फिट करने का काम पूरा किया जाता है। इसके बाद इस लिपस्टिक के ऊपर आउटर कवर लगाने के लिए इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ इस प्रकार की मशीनों के द्वारा लिपस्टिक के ऊपर आउटर कवरिंग को लगाया जाता है। इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद एक लिपस्टिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, जिसे बाद में लिपस्टिक कंपनी से एक्सपोर्ट करके जगह जगह पर पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाता है। और इस प्रकार से एक लिपस्टिक लिपस्टिक कंपनी से मार्केट तक पहुंचने का सफर तय कर पाती है। तो दोस्तों, पाउडर और लिपस्टिक की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल फैक्ट फिक्शन पर पहली बार आए हैं, तो फिर ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।